हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग चकराता जा रहे हैं, तो सब लोग पैकिंग कर रहे थे। मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। सब लोगों ने जैकेट्स निकाल ली है, इतनी सारी लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, इसलिए सबने जैकेट वगैरह निकाल ली है। तो अभी चलते हैं, बस निकल रहे हैं हम लोग बस यहाँ से अब बाहर। बारबी ने सबको परेशान कर रखा है। मैंने किसी को नहीं किया। सबको ले चलो ना भाई। सुन जाओ गाइस, बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं और मोमो वगैरह आ गए हमारे, देख सकते हैं हम। काफी टेस्टी मोमो है। विकास नगर पहुंच गए हम लोग। अभी चकराता से करीब 25 किलोमीटर पहले है और ये बहुत अच्छा लैंडस्केप दिखा, तो इसलिए हम लोग रुक गए। देख सकते हैं आप, थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं वो नीचे बहुत अच्छा घर बना हुआ है वहाँ पे, और एक घर वो ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे काफी अच्छा लगा। ये लोग कहाँ होंगे ऊपर, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे फोटोशूट शुरू हो गया है। क्या है तौफिक भाई, आर्टिस्ट नीचे गांव वाले खेती कर रहे हैं। ये नदी है और एक बहुत अच्छी वैली है। लो एक ना पूरी वाइट खींच देना। चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो आज एक आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप इस रूट पे आते हैं चकराता वाले रूट पे, ये जरूर देख के आएगा कि आपकी गाड़ी में तेल हो, क्योंकि इस पूरे रूट पे पेट्रोल पंप नहीं है। अभी रिसेंटली ये आप जैसे देख सकते हैं पीछे जियो का पेट्रोल पंप खुला है, बट ये इकलौता पेट्रोल पंप है। ये आपको ऑलमोस्ट चकराता में मिलेगा, तो बीच में पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद भी नहीं मिलेगा। तो ये पेट्रोल पंप है और ये इकलौता पेट्रोल पंप है। सो आप लोग देख के आइए, बेहतर बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे। अगर पहुंच चुके हम लोग, ये एक मेन स्पॉट है जहाँ पे सबसे पहले आते हैं। काफी ठंडा हो रहा है यहाँ पे, देहरादून में तो बारिश हो रही थी खैर, लेकिन यहाँ पे बढ़िया मौसम हो रहा है, पूरा बेहतर खुला हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना सही लग रहा है। वहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं मिली, वहाँ पे आर्मी वालों ने मना कर दिया। हम लोग इधर की तरफ आ गए खाने पीने के लिए। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, मतलब ये हिल भी रहा है और ये पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है। यहाँ से खाना पीना हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से निकल रहे हैं। प्लान ये है कि हम लोग सनसेट पॉइंट पे जाएंगे। वो देखो आगे ले गया कार। अरे इसका पफ फिल्टर कहाँ गया? अरे इसका पफ फिल्टर कहाँ गया? इसका गाइस, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, बहुत अल्टीमेट है। अभी सनसेट होने वाला है, 6:30 बज रहे हैं, बट अभी सनसेट नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू टूर कराता हूँ। हम ड्रोन नहीं लाए, वरना ड्रोन शॉट वगैरह लेते हैं। व्यू देखिए, बहुत शांति है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं।
ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था, बट आप पीछे देख सकते हैं पूरे में यहाँ पे क्लाउड्स हो गए हैं। मैंने टाइम लैप भी लिया है, तो आप टाइम लैप भी देख सकते हैं। बहुत अल्टीमेट व्यू हो गया है, सन बिल्कुल चांद की तरह हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल चांद की तरह हो गया, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मैं यहाँ से। ये सनसेट पॉइंट है और यहाँ पे कार के लिए 100 रुपए की पर्ची कटती है, बट यहाँ पे आना वैल्यू फॉर मनी है अगर आप शांति से रिलैक्स करके रहना चाहते हैं। अदरवाइज जल्दी जल्दी में निकल के तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप बैठेंगे नहीं शांति से 5 मिनट, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो हम लोग गाइस मार्केट में पहुंच गए हैं, काफ़ी शांति है यहाँ पे मार्केट में। ये अभी भी ऐसा लगता है कि 10 साल पहले की मार्केट है। एंड यहाँ पे मूवीज वगैरह के बहुत अच्छी शॉप्स हैं, और यहाँ पे एक मशीन देखी है हमें जो बहुत ही यूनिक है। आपने यहाँ पे स्टार्ट करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्लास्टिक भी निकालते हैं, और ये कुछ इस तरीके से है प्लास्टिक फ्री करने के लिए। तो अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का।